दुर्गा पूजा में दोस्तों नवमी या अष्टमी के हम चना बनाते हैं कन्याओं के खिलाने के लिए। तो कई बार क्या होता है हार्ड बन जाता है और कई बार क्या होता है उसमें मसाला नहीं लगता है दोस्तों, अलग मसाला रहता है, अलग चना रहता है। तो आज मैं एकदम परफेक्ट रेसिपी लेकर के आई हूँ आप लोग के लिए, बिना लहसुन प्याज के ये चना बनाने की रेसिपी दोस्तों एकदम आसान तरीके से बतलाऊंगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं, आप लोग लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों। और यहाँ पर देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों ये चना। जब इस तरीके से रेसिपी बना करके तैयार करेंगे दोस्तों तो एकदम मसाला जो है एकदम चना के ऊपर सटा रहेगा और एकदम गाला हुआ सॉफ्ट हमारा चना बन करके तैयार होगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है लालसा के रसोई में। तो आज हम काला चना से ये चना बनाएंगे। चना बनाने से पहले दोस्तों चना के हमें रात भर के लिए भिगो देना है। जब अच्छा से चना फूलेगा तभी अच्छा से परफेक्ट हमारा चना बन करके तैयार होगा। तो यहाँ पर देखिए मैं रात भर के लिए यहाँ पर एक कटोरी चना भिगा करके रख दी हूँ। अब इन्हें हम क्या करेंगे, पानी से छान करके और डायरेक्ट हम कुकर में रख लेंगे चना। और यहाँ पर हम डाल देंगे चना के ऊपर लिए हमें पानी डालना है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं 1.5 गिलास पानी डाली हूँ। अगर यहाँ पर आप मीठा सोडा डालना चाहते हैं दोस्तों तो इसी में एक चुटकी यहाँ पर डाल सकते हैं। आज मैं बिना मीठा सोडा के ये चना बना करके बतला रही हूँ, एकदम सॉफ्ट बनेगा, एकदम गाला हुआ बनेगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए कुकर का मैं ढक्कन लगा दी हूँ और इन्हें हम क्या करेंगे गैस पर रख देंगे 5 से 6 सीटी, आराम से इन्हें आने देते हैं दोस्तों। जब तक सीटी आ रहा है जब तक यहाँ पर हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो एक कटोरी में हम रख लेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच यहाँ पर जीरा धनिया का पाउडर डाल रहे हैं दोस्तों, आधा चम्मच डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर डाल देंगे थोड़ा सा हम गरम मसाला डाल रहे हैं यहीं पर, और यहाँ पर हम डाल देंगे यहाँ पर पानी दोस्तों, और पानी डाल करके अच्छा से मसाला मिक्स कर लेंगे दोस्तों। ये मसाला पानी में जब हम घोल करके रखते हैं तो एकदम मसाला जो है फूल जाता है और जब हम चना बनाएंगे तो ये जलेगा नहीं और एकदम परफेक्ट रेसिपी बन करके तैयार होगा। तो इस तरीके से मसाला घोल करके आगे ही रख दीजिएगा जरूर। तो कुकर में सीटी आएगा दोस्तों, आराम से जो मसाला है एकदम फूल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 5 से 6 सीटी आ गया है दोस्तों, और यहाँ पर मैं कुकर नीचे उतार ली हूँ। अब इन्हें हम क्या करेंगे, इनका जो ढक्कन है एकदम हमें नहीं खोलना है, एकदम इन्हें ठंडा करना है अपने मन से। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इनका हम ढक्कन हटा लेंगे और यहाँ पर हम चना चेक करेंगे ये सॉफ्ट हुआ है कि नहीं। यहाँ पर देखिए एक चम्मच से हम चना निकाल लेंगे और इस तरीके से हाथ से हम चेक करेंगे दोस्तों। अभी काफी गर्म है इसीलिए थोड़ा गर्म लग रहा है। और यहाँ पर देखिए एक चना मैं तोड़ करके दिखा रही हूँ, आसानी से मैश हो रहा है, देख रहे हैं एकदम परफेक्ट गल गया है। अब इन्हें हम क्या करेंगे, पानी से हमें नहीं अलग निकालना है दोस्तों, इसी पानी में हमें रहना देना है। जब पानी से आप चना बाहर निकाल लेंगे तो इसका जो इसे छिलका होता है ना वो हार्ड हो जाएगा दोस्तों और टेस्टी सब्जी नहीं बनेगा। चलिए अब यहाँ पर हम मसाला तैयार करते हैं। तो इसी में हम डाल देंगे, यहाँ पर देखिए मैं रखी हूँ गैस पर कढ़ाई, और यहाँ पर 2 बड़ा चम्मच हम सरसों का तेल डालेंगे, 3 से 4 लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा जीरा डाल देंगे और एक छोटा साइज का तेजपत्ता डाल देंगे दोस्तों। यहाँ पर अच्छा से हम क्या करेंगे, फौरन जैसे ही लाल हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर हम जो मसाला रखे हैं एक बार इन्हें हम एक बार घोल लेते हैं इस तरीके से, जैसे पानी ऊपर हो जाता है मसाला नीचे बैठ जाता है। तो एक बार हम इन्हें मिला लेंगे और मिलाने के बाद में डायरेक्ट हम डाल देंगे ये फोरन में दोस्तों। यहाँ पर डाल करके अच्छा से हमें चला करके मीडियम फ्लेम पर अच्छा से हमें भूनना है। जैसे जैसे ये मसाला भुनेगा दोस्तों एकदम खुशबू अच्छा से आता है, और इसी टाइम में हम क्या करेंगे स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे दोस्तों। अगर आज की हमारी रेसिपी आप लोग को अच्छी लगी तो ढेर सारे फैमिली दोस्तों में शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा कि मेरे चना की रेसिपी आप लोग कैसी लगी है दोस्तों। भंडारा वाला सब्जी दोस्तों मैं जैसे कोहड़ा का सब्जी बना करके डाली हूँ, पूरी डाली हूँ दोस्तों, कई तरीके से रेसिपी डाली हूँ, तो भी जाकर के मेरे चैनल पर है जरूर देखिएगा। और खीर भी डाली हूँ चावल को दोस्तों, तो ये भी जाकर के जरूर देखिएगा। मैं इस चैनल पर दोस्तों एकदम आसान तरीके से रेसिपी लेकर के आती हूँ, तो आप लोग प्लीज जाकर के देखिएगा और मुझे ढेर सारा सपोर्ट करिए। अब यहाँ पर देखिए मसाला अच्छा से भुना गया है दोस्तों, तेल जैसे ही इनका छोड़ देगा तो यहाँ पर हम पानी के सहित जो चना रखे हैं पानी के साथ में हम चना डाल देंगे इसी में। इसका पानी दोस्तों हमें नहीं फेंकना है, इसीलिए वहाँ पर मैं 1.5 गिलास पानी डाली थी। काला चना में दोस्तों कई तरीके से विटामिन और प्रोटीन मिलता है, तो पानी जैसे हम चना उबालते हैं तो उस पानी में भी विटामिन जाता है, तो इसीलिए हम चना के पानी डाल करके ही बनाएंगे। अब यहाँ पर हम अच्छा से मिक्स कर लेंगे, इसी में हम डाल देंगे 3 से 4 हरी मिर्च दोस्तों। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा डालिएगा, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। इसी में हम डाल देंगे 1 चम्मच भर करके यहाँ पर अमचूर पाउडर दोस्तों। अमचूर पाउडर डालने से एकदम सब्जी जो है एकदम टेस्टी बनेगा, और यहाँ पर डाल करके अच्छा से हम इन्हें भूनते जाएंगे। और इसी के साथ में हम डाल देंगे फिर से यहाँ पर थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा डाल देंगे हरा धनिया काट करके दोस्तों।
ये जो सब्जी है एकदम सुपर टेस्टी बनता है दोस्तों। और जो इसका मसाला है ना दोस्तों, इसका टेक्सचर देखिएगा, एकदम जैसे दानादार होता है ना उस तरीके से आएगा, और चना के ऊपर एकदम लपटा हुआ रहेगा दोस्तों। तो इस तरीके से चना की रेसिपी एक बार जरूर बनाइएगा। और यहाँ पर देखिए, हमें चलाते हुए अच्छा से जो पानी है उन्हें सुखाना है दोस्तों। सुखाने के लिए 3 से 4 मिनट लग जाएगा, हाई फ्लेम पर हमें सुखाते जाना है, क्योंकि चना ये ऑलरेडी उबला हुआ है, इन्हें पकाने के लिए कोई भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और यहाँ पर देखिए अच्छा से ये सूखने लगा है, इस तरीके से हम चलाते हुए अच्छा से इन्हें हम भूनेंगे। जब भी हम कन्याओं को खिलाते हैं दोस्तों, तो उसमें ग्रेवी चना नहीं रहता है, इस तरीके से सूखा हुआ मसालेदार चना बन करके खिलाया जाता है, तो इस तरीके से जरूर बनाइएगा। ये रेसिपी एकदम आसान तरीके से मैं बतलाई हूँ। और यहाँ पर देखिए जो चना है अच्छा से यहाँ पर पक गया है। अभी इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है दोस्तों, यहाँ पर हम गैस बंद कर देंगे, क्योंकि ये परफेक्ट हमारा चना बन करके तैयार हो गया है। तो यहाँ पर अब हम गैस बंद कर देते हैं और अच्छा से चना नीचे उतार करके रख लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक एक चना में जो मसाला है एकदम लपटा हुआ ये बना है दोस्तों। तो इस तरीके से रेसिपी जरूर बनाइएगा। और यहाँ पर देखिए हम थाली में भी निकाल करके आप लोग से दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा टेस्टी चना लग रहा है ना दोस्तों। तो इस तरीके से बनाइएगा जरूर, और कन्या पूजा अच्छा से करिएगा दोस्तों। जैसे हर घर में दुर्गा माता आ रही है, तो आप लोग अच्छे से पूजा करिए और नवरात्रि अच्छा से मनाइए। यहाँ पर देखिए कितना अच्छा चना लग रहा है ना दोस्तों। तो इस तरीके से बनाइएगा जरूर। अगर आज की हमारी रेसिपी आप लोग को अच्छी लगी है, तो ढेर सारे फैमिली दोस्तों में शेयर करिएगा, रिश्तेदारों में शेयर करिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए दोस्तों। इस चैनल पर मैं रोज एक नया वीडियो लेकर के आती हूँ, सबसे आसान तरीके से और कम समय में और कम सामान से बनाना बतलाती हूँ दोस्तों। बिना झंझट के रेसिपी आप लोग को बतलाती हूँ, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।